हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के सांडे राव में चक्रवाती तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। सांडे राव के बिजली घर में बरसात का पानी भर जाने से फीडर से जुड़े सभी गांव दो दिनों से अंधेरे में रह रहे हैं। बिजली के कारण पेयजल आपूर्ति भी लड़खड़ा गई है। लोगों के घरों में लगे इन्वर्टर और मोबाइल फोन भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगातार दो दिनों से बिजली की सप्लाई बंद होने से ग्रामीणों का हाल बेहाल है। बुधवार रात को तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात शुरू होते ही बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। गुरुवार को बिजली घर में पानी भर जाने से फिर दिन भर बिजली बंद रही। गुरुवार रात को फिर बरसात आने से गुरुवार रात से अभी तक बिजली की सप्लाई शुरू नहीं हुई है और इसकी वजह से सांडे राव सहित इस फीडर से जुड़े सभी गांवों के ग्रामीणों का हाल बेहाल है। जबकि विभागीय अधिकारियों की ओर से इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं करने की वजह से समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डीपर ज्वाय चक्रवाती तूफान के दौरान भी बिजली घर पानी में डूबा हुआ था और तीन दिनों से सांडे राव सहित इस फीडर से जुड़े सभी ग्रामीण जिसकी शिकायत करने के बाद पाली जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पानी निकासी के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या समाधान का आदेश दिया, मगर समय अनुसार समस्या का समाधान नहीं होने से एक बार फिर से विकट समस्या पैदा हो गई है। फालना विद्युत विभाग के अभियंता निमेंद्र राज सिंह अधिशासी ने बताया कि सांडे राव बिजली घर की हालत अत्यधिक खराब है। बरसात का दौर शुरू होते ही समस्या शुरू हो जाती है। इसका स्थायी समाधान करवाने के लिए जिला कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया। शीघ्र समाधान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली घर में लगे सभी सिस्टम पानी में डूबे होने से कर्मचारी भी काम पर नहीं आ पाते। पानी निकासी के लिए PWD विभाग और स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि भविष्य में बिजली घर में पानी का भराव ना हो। जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह रणावत ने कहा कि बिजली घर कई वर्षों से सांडे राव फालना तिरहा पर स्थित है। पहले भी कई बार तूफान और भयंकर बरसात भी हुई है और यही बिजली घर बार बार पानी में डूबता रहा है, मगर ऐसी स्थिति आज तक नहीं आई जब इतने दिनों से बिजली गुल है। ठेका प्रणाली के बाद कुछ कर्मचारी जानबूझकर बहाने का काम नहीं करना चाहते। विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि समय रहते व्यवस्था में सुधार करें, अन्यथा मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं सांडे राव पंचायत की ग्राम सरपंच दाखू देवी भील ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से रोड को तोड़कर पानी की निकासी कर शीघ्र समस्या का समाधान करवाने के लिए स्वीकृति मिल गई है, तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए सांडे राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।